तो इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने आपसे पूछा था कि आप गॉर वर्सेस थैनोस और गॉर वर्सेस नल में से कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप में से सबसे ज्यादा लोगों ने गॉर वर्सेस नल के टॉपिक को रेकमेंड किया है। इसीलिए आप सभी के कहने पर हम ये वीडियो लेकर आपके सामने आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम गॉर द गॉड बुचर और गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल के बीच एक बैटल कंपैरिजन करने वाले हैं, और ये जानने वाले हैं कि इन दोनों सुपर विलन्स में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, इसीलिए इसे पूरे एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके साथ ही अब हमें डीसी यूनिवर्स के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए काफी रिकमेंडेशन आ रही है, इसीलिए आप सभी मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आप लोग डीसी यूनिवर्स के ऊपर वीडियोस देखना पसंद करोगे, और अगर हाँ तो आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस सबसे पहले देखना चाहोगे। वैसे मैंने इसको लेकर कल शाम को एक पोस्ट भी शेयर किया है, अगर आप सब चाहो तो इस वीडियो को देखने के बाद वहां पर जाकर हमें वोट करके भी बता सकते हो। और इसके अलावा अगर आप मोस्ट पावरफुल एस्गार्डियन गॉड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एस्गार्डियन गॉड्स के टॉपिक पर भी वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। तो आइए इन सारी बातों को साइड करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करें गौर द गॉड बुचर की, तो गौर एक ऐसे प्लेनेट पर पैदा हुआ था जिस प्लेनेट का कोई नाम नहीं है। गौर के प्लेनेट पर ना तो खाने के लिए खाना था और ना ही पीने के लिए पानी, जिस वजह से गौर के प्लेनेट के सभी लोग एक एक करके मरते जा रहे थे। लेकिन गौर के प्लेनेट के सभी लोग गॉड्स में बहुत बिलीव करते थे और हमेशा उनकी पूजा करते थे, और उनसे ये उम्मीद करते थे कि एक न एक दिन उनके गॉड्स उन्हें बचाने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन जब गौर की वाइफ और उसका बेटा भी मारे गए, तब गौर को ये बिलीव हो गया कि गॉड्स उन्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन फिर उसी के कुछ दिन बाद गौर को दो गॉड्स लड़ते हुए दिखे, और जब गौर के पास गया तो उसने वहाँ दो गॉड्स को देखा जिनमें से एक ब्लैक गॉड था और दूसरा गोल्डन गॉड। गोल्डन गॉड ने गौर को देखकर उससे मदद मांगने की कोशिश की, पर गौर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने ब्लैक गॉड के वेपन के एक छोटे से टुकड़े को उठाकर उस मदद मांगने वाले गॉड को जान से मार दिया, जिसके बाद वो छोटा सा वेपन गौर की बॉडी से बॉन्ड हो गया और गौर बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया, जिसके बाद वो कहलाया गौर द गॉड बुचर। बात करें गौर की पावर्स की, तो गौर एक इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो कि थॉर जैसे पावरफुल गॉड से फाइट करके उसे बड़े आराम से हरा चुका है। गौर द गॉड बुचर थॉर के तीन वर्जन से एक साथ लड़ चुका है और गौर उन तीनों को ही एक साथ हरा चुका है। गौर द गॉड बुचर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो अपने एक ही अटैक से पूरे प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। गौर की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि वो पावरफुल से पावरफुल अटैक भी झेल सकता है। गॉड बॉम्ब स्टोरीलाइन के दौरान थॉर गौर के ऊपर दो म्यूनिट से एक साथ लाइटनिंग अटैक करता है, और वो लाइटनिंग अटैक थॉर का अब तक का सबसे पावरफुल लाइटनिंग अटैक होता है। लेकिन गौर उस लाइटनिंग अटैक से भी सर्वाइव कर जाता है। इसके अलावा ओल्ड किंग थॉर गौर के ऊपर इतना पावरफुल अटैक करता है कि उस अटैक की वजह से गौर कई लाइट ईयर्स दूर जाकर गिरता है, लेकिन गौर वहां से भी सही सलामत वापस आ जाता है। और तो और, जब तीनों थॉर मिलकर गौर को सन के ऊपर फेंक देते हैं, तब भी गौर उस पूरे सन को ब्लास्ट करके डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उस ब्लास्ट की वजह से गौर को कुछ भी नहीं होता। गौर के पास नेक्रोसॉर्ड जैसा मोस्ट पावरफुल वेपन है, और गौर अपने नेक्रोसॉर्ड के साथ बहुत ज्यादा पावरफुल है। गौर नेक्रोसॉर्ड की हेल्प से बहुत से पावरफुल गॉड्स को मार चुका है, और इसके भी ऊपर गौर गॉड्स के पूरे प्लेनेट को भी खत्म कर चुका है। गौर द गॉड बुचर नेक्रोसॉर्ड की हेल्प से अपने लिए जैसे चाहे वैसे वेपन्स को क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा वो नेक्रोसॉर्ड की हेल्प से क्रिएचर्स भी क्रिएट कर सकता है, और गौर द गॉड बुचर ने अपने लिए ऐसे क्रिएचर्स की एक आर्मी भी तैयार कर रखी है। नेक्रोसॉर्ड होने की वजह से गौर का हीलिंग फैक्टर भी बहुत सुपीरियर है, और नेक्रोसॉर्ड की वजह से गौर अपनी इंजरीज को बेहद ही जल्दी हील कर सकता है। इसके अलावा अगर गौर के बॉडी पार्ट्स को काटकर अलग भी कर दिया जाए तो गौर उन्हें फिर से रीजनरेट भी कर सकता है। अब गौर द गॉड बुचर के बाद बात करें नल की, तो नल सिम्बियोट्स का गॉड है और इसी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी सिम्बियोट्स को क्रिएट किया है। नल गॉड ऑफ डार्कनेस है, और ये यूनिवर्स के क्रिएशन से भी पहले डार्कनेस को रूल किया करता था, और ये डार्कनेस ही नल का किंगडम था। लेकिन जब सेलेस्टियल्स ने इस खाली यूनिवर्स में क्रिएशन करना स्टार्ट किया, तब उन्होंने यूनिवर्स में लाइट को क्रिएट किया, और लाइट की वजह से डार्कनेस मिटती चली गई, जिसके बाद नल को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो सेलेस्टियल्स नल के डार्कनेस को खत्म करते जा रहे थे। इसीलिए नल ने सेलेस्टियल्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो सेलेस्टियल्स नहीं माने तब नल ने अपनी शेडो में हाथ डालकर एक सॉर्ड को निकाला और उससे एक सेलेस्टियल के सर को काट दिया, जिसके बाद बाकी के सभी सेलेस्टियल्स नल से डरकर भाग गए, और नल ने अपनी शेडो से बनी सॉर्ड को नाम दिया ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड। इसके बाद नल ने ये जाना कि उसकी शेडो से बनी वो तलवार असल में एक जिंदा क्रीचर है, और आगे चलकर उसने अपनी सॉर्ड से और भी क्रीचर्स को क्रिएट किया और उन्हें नाम दिया सिम्बियोट। इसके बाद नल अपने इन सिम्बियोट्स को यूनिवर्स के हर प्लेनेट पर भेजने लगा ताकि वो सिम्बियोट्स वहां जाकर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दें और उन सबको फिर से डार्कनेस में धकेल दें। अब बात करें गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल की पावर्स की,
तो नल पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, और पूरे मार्वल यूनिवर्स में सिर्फ कुछ गिनती के कैरेक्टर्स हैं जो कि नल से टक्कर ले सकते हैं। नल की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि ये बिना किसी एफर्ट के ही सेंट्री जैसे मोस्ट पावरफुल बींग को बीच से फाड़कर अलग कर चुका है। और यहाँ पर जो लोग सेंट्री के बारे में अच्छे से नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि सेंट्री की पावर लेवल्स डीसी के सुपरमैन के बराबर है, और सुपरमैन कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरेक्टर है ये तो हम सभी जानते हैं। पर फिर भी ये सारे सुपर हीरो कैरेक्टर्स नल के सामने कुछ भी नहीं है। नल की पूरी बॉडी उसके सिम्बियोटिक आर्मर से कवर है, जिस वजह से नल के ऊपर चाहे जितना ही पावरफुल अटैक किया जाए नल उन अटैक्स को बड़े आराम से झेल सकता है। इसके अलावा नल के पास अपने सिम्बियोट्स की एक पूरी आर्मी है जो कि नल के सिर्फ एक ही इशारे पर प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और इवन यूनिवर्स तक को खत्म कर सकते हैं। नल की सिम्बियोटिक आर्मी के अंदर कुछ ड्रैगन सिम्बियोट्स भी हैं, और ये ड्रैगन सिम्बियोट्स अकेले इतने पावरफुल हैं कि इनमें से एक ड्रैगन सिम्बियोट ने हजारों साल पहले अर्थ को लगभग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके अलावा ये सभी सिम्बियोट्स नल के हाइव माइंड से जुड़े हैं, जिसका मतलब नल अपने सभी सिम्बियोट्स से टेलीपैथिकली कनेक्टेड है, जिसकी वजह से नल इनसे दूर रहकर भी इन्हें कंट्रोल कर सकता है, इन्हें ऑर्डर्स दे सकता है, इनसे बात कर सकता है, और तो और जो ये सिम्बियोट्स देख रहे हैं वो देख सकता है, और जो ये सुन रहे हैं वो सुन भी सकता है। नल लिटरली इतना पावरफुल है कि वो स्ट्रेंथ के मामले में तो सेलेस्टियल्स को हरा सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो उन्हें अपनी सिम्बियोटिक पावर से करप्ट भी कर सकता है और फिर उन्हें कंट्रोल करके खुद के लिए भी यूज कर सकता है, और ऐसा वो किंग इन ब्लैक स्टोरीलाइन के अंदर करता भी है। नल का वेपन ऑल ब्लैक नेक्रो सॉर्ड इतना पावरफुल वेपन है कि नल इसकी मदद से अब तक अनगिनत गॉड्स को मार चुका है और उनकी क्रिएट की हुई सारी क्रिएशन को फिर से डार्कनेस में मिला चुका है। और इसके बाद बात करें नल के हीलिंग फैक्टर की, तो सबसे मेन बात तो ये है कि नल को इंजर्ड करना भी किसी के बस की बात नहीं है, और अगर कोई किसी तरह नल को नुकसान पहुंचाकर उसे इंजर्ड कर भी दे तो भी नल खुद को बेहद ही जल्दी हील कर सकता है। तो अब गौर और नल दोनों की ओरिजिन और पावर्स को जानने के बाद आइए अब इनके बैटल की बात करते हैं। तो गौर द गॉड बुचर एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि थॉर जैसे पावरफुल सुपर हीरो के तीन वर्जन को भी एक साथ ओवरपावर कर चुका है। लेकिन वही बात करें सिम्बियोट के गॉड नल की, तो गॉड ऑफ डार्कनेस नल गौर के मुकाबले भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इसीलिए यहाँ पर इन दोनों के बैटल की दो पॉसिबिलिटी निकलती है। पहली पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग जब गौर द गॉड बुचर नल का सामना करेगा तब नल गौर से अपने नेक्रोसॉर्ड को छीन लेगा, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि नेक्रोसॉर्ड ओरिजिनली नल का ही वेपन है, इसीलिए नल अपने नेक्रोसॉर्ड को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए अगर ऐसा होता है और नल अपने नेक्रोसॉर्ड को गौर से छीन लेता है तब गौर द गॉड बुचर नल के लिए सिर्फ एक कमजोर मॉडल होगा, एक ऐसा कमजोर मॉडल जिसे वो क्या कोई भी आसानी से मार सकता है। लेकिन अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें तो इस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग गौर और नल के बैटल में गौर का नेक्रोसॉर्ड गौर के पास ही रहेगा और गौर द गॉड बुचर नेक्रोसॉर्ड के साथ नल का सामना करेगा। लेकिन गौर नेक्रोसॉर्ड के साथ भी नल के आगे बहुत कमजोर है, क्योंकि जहां गौर एक मॉर्टल है वहीं नल एक गॉड है, और भले ही गौर ने अब तक बहुत से गॉड्स को मारा हो लेकिन नल कोई नॉर्मल गॉड नहीं है, वो गॉड ऑफ डार्कनेस है, सभी सिम्बियोट्स का गॉड है। और गौर ने अब तक जिन गॉड्स को मारा है वो गॉड्स भी नल के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि नल ने उन गॉड्स के भी गॉड्स को मारा है यानी कि सेलेस्टियल्स को, और ये चीज नल के ट्रू पोटेंशियल को शो करती है। इसके भी ऊपर नल ने नेक्रोसॉर्ड को खुद से क्रिएट किया है, जिसका मतलब नल नेक्रोसॉर्ड के अलावा और भी कई सारे वेपन्स को क्रिएट कर सकता है जो कि शायद नेक्रोसॉर्ड से ही पावरफुल होंगे। इसीलिए एट द एंड अगर हम इस बैटल के कंक्लूजन की बात करें तो गौर और नल के इस बैटल में नल बड़ी आसानी से गौर से जीत जाएगा। तो यही गौर द गॉड बुचर और सिम्बियोट्स के गॉड नल के बैटल पर वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर आप सब डीसी यूनिवर्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमने जो पोल डाला है उसमें अपना वैल्यूएबल वोट भी जरूर डालें। साथ ही अगर आप मार्वल के मोस्ट पावरफुल एंटी हीरोज के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आप सबके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक थॉर गॉड ऑफ थंडर गॉड बॉम्ब स्टोरीलाइन की वीडियो नहीं देखी तो आप उसे भी जल्दी से जाकर देख सकते हैं, और वो वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। और थॉर से जुड़ी और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जरूर चेकआउट करें, जहां पर आपको टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एसगार्डियन गॉड्स, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एसगार्डियन वेपन्स, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जंस ऑफ थॉर और टॉप 10 कैरेक्टर्स हु लिफ्टेड म्यूनिट जैसी कमाल की वीडियोस देखने को मिलेंगी। वैसे इन सभी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप सभी चाहे तो डायरेक्टली वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।